हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, अगर आप भी 75% सब्सिडी पर अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं ताकि फसलों की सिंचाई की जा सके, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा धमाका हो चुका है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों, आपको तो पता ही होगा कि हर साल हरियाणा सरकार सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से खेत वाली जो सोलर है उसके आवेदन मांगती है। आपको आवेदन करने के लिए आवेदन जो पोर्टल है वो ओपन किया जाता है, ऑप्शन ओपन किया जाता है। और दोस्तों, इसके तहत हर साल जब आवेदन ओपन होते हैं तो उसमें 4 से लेकर 5 साढ़े 5 हज़ार तक जो सोलर हैं उनके आवेदन ओपन किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वित्त वर्ष यानी 23-24 में हरियाणा सरकार ने बड़ा धमाका किया है। ज़्यादा तादाद में जो सोलर पंप हैं आपको मिलने वाले हैं और जो भी वंचित किसान हैं उनको भी जो सोलर पंप हैं वो मिल पाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं कितने आवेदन मांगे गए हैं। किसान भाई, आप देख सकते हैं एक बैनर हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है और इस बैनर में बताया गया है कि पीएम कुसुम जो योजना है इसके तहत आपको 3 HP से लेकर 10 HP की जो क्षमता है वो सोलर पंप दिए जाएंगे। और दोस्तों, 75% अनुदान पर ये जो सोलर पंप हैं आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस वित्त वर्ष हरियाणा में 17,000 अतिरिक्त सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है। यानी जो वित्त वर्ष अब शुरू हुआ है, चालू हो चुका है, इस वित्त वर्ष इस साल हरियाणा सरकार आपको 17,000 जो सोलर पंप है वो उपलब्ध करवाने वाली है। और दोस्तों, इसके लिए जब भी आवेदन शुरू होंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है ताकि जब भी ये फॉर्म ओपन हो आपको वीडियो मिल जाए, वरना दोस्तों वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। और ये जो आवेदन है, जो भी पहले अप्लाई फॉर्म करता है उसी को सोलर पंप दिए जाते हैं। अब दोस्तों, जब आप नीचे चलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा में वर्ष 2026 तक 2,00,000 से अधिक और सोलर पंप स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो सोलर पंप हैं आपको 75% सब्सिडी पर दिए जाते हैं, आपको केवल 25% जो पैसे हैं वो देने होते हैं। और ये जो सोलर पंप है इनकी क्षमता 3 HP से लेकर 10 HP की होती है। 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP तक की क्षमता के जो सोलर पंप हैं आप ले सकते हैं 75% अनुदान राशि के ऊपर। और जो इस साल है वो 17,000 नए जो सोलर हैं उनके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। जब भी आवेदन होंगे मैं वीडियो बना दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का कि जब भी फॉर्म ओपन हो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं खुद अपने फोन से, वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी क्योंकि जो किसान भाई हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि सोलर के फॉर्म ओपन कब होंगे, और जैसे ही ओपन होते हैं तो जल्द से जल्द जो आवेदन है वो पूरे हो जाते हैं और साइट बंद हो जाती है। फिर जो वंचित किसान हैं वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। उन किसानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि इस साल 17,000 नए आवेदन मांगे जाएंगे और इस आवेदन में आपका भी नंबर पड़ जाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया है, क्योंकि जब भी इसके आवेदन शुरू होंगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा और वीडियो तभी आप देख पाएंगे जब आपका चैनल सब्सक्राइब आप करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को अगर आप ऑन करते हैं तो आपके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा और तुरंत आप आवेदन कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो आपको जरूर कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाई।